13 जून 2017 को हमने भारत की राजधानी दिल्ली से 5,436 किलोमीटर दूर फिलीपींस के मारावी शहर का विश्लेषण किया था। ये वो शहर है जहां 23 मई 2017 से आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का कब्जा है और अब तक इस शहर में सुरक्षा बलों के 71 जवानों सहित आईएसआईएस के 299 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि 2,46,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। और हमें जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके मुताबिक मारावी शहर में 17 नए शव मिले हैं, जिनमें से 5 नागरिकों के शवों के साथ बर्बरता की गई है। यानी एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि फिलीपींस का मारावी शहर धीरे धीरे सीरिया बनता जा रहा है और सेना की लगातार कोशिशों के बावजूद इस शहर में आईएसआईएस अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। हालांकि फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटर्ट जरा दूजी किस्म के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने सेना को आईएसआई से निपटने के लिए न सिर्फ पूरी छूट, खुली छूट दे रखी है, बल्कि ये तक कह दिया है कि सेना नागरिकों की मौत की चिंता ना करे। राष्ट्रपति ड्यूटर्ट के मुताबिक अगर आईएसआईएस के आतंकवादियों को मारते हुए गलती से किसी निर्दोष नागरिक की मौत हो भी जाती है तो वो अपनी सेना के साथ खड़े रहेंगे और देश के हितों की रक्षा करेंगे। ये एक ऐसा राष्ट्रवाद है जिसमें रोड्रिगो ड्यूटर्ट ने अपने देश के हित को सबसे ऊपर रखा है, फिर चाहे इसके लिए आम नागरिकों का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। लेकिन खबर सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। फिलीपींस के राष्ट्रवाद से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर वहां के राष्ट्रगान से संबंधित है। फिलीपींस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां के राष्ट्रगान ल्यूपांग हिनिरांग को लेकर एक नया बिल पारित किया है, जिसके तहत अगर फिलीपींस का राष्ट्रगान किसी सार्वजनिक स्थान पर गाया जाता है तो वहां के आम नागरिकों को पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रगान गाना होगा। इस बिल के मुताबिक सार्वजनिक स्थान पर पूरे उत्साह से राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। इस कानून के लागू हो जाने के बाद अगर फिलीपींस का कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर पूरे जोश से राष्ट्रगान नहीं गाता तो उसे कड़ी सजा दी जा सकती है। इस बिल के मुताबिक पहली बार गलती करने वाले को 1 साल जेल की सजा दी जा सकती है या 64,000 रुपये से लेकर 1,29,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस बिल में दूसरी बार गलती करने वाले व्यक्ति को 1 साल जेल की सजा के साथ साथ जुर्माना भी देना होगा। राष्ट्रगान का अपमान करने वाले व्यक्ति की तस्वीरें अखबारों में छापकर उन्हें शर्मिंदा भी किया जाएगा। इस बिल में यह भी लिखा है कि फिलीपींस के हर प्राइवेट और सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए राष्ट्रगान मुंह जबानी याद करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रगान के वक्त सभी लोगों को खड़े होकर फिलीपींस के झंडे की तरफ देखना होगा। इस बिल को अभी सिर्फ फिलीपींस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पारित किया है, लेकिन जैसे ही ये वहां के सेनेट और राष्ट्रपति की तरफ से इसे मंजूरी मिलेगी, ये एक कानून बन जाएगा। इस बिल के तहत एक और बात स्पष्ट की गई है कि जो लोग अपने धर्म या धार्मिक मान्यता की वजह से राष्ट्रगान नहीं गाना चाहते, उन्हें भी राष्ट्रगान को पूरी इज्जत, पूरा सम्मान देना होगा। फिलीपींस का ये कदम मुश्किल वक्त में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना का प्रसार करेगा, क्योंकि आईएसआईएस के आतंक और दहशत के बीच सिर्फ राष्ट्रभक्ति ही लोगों को एक सूत्र में बांधकर रख सकती है।